हरे कृष्णा राधे राधे। आज जो ये आप लड्डू गोपाल देख रहे हो ना, इसका एक छोटा सा कहानी है जो मैं आपके संग बताने जा रही हूँ। अभी पहले आपको अच्छे से दर्शन करा देते हैं इस लड्डू गोपाल को। ये मेरा एक छोटा सा लड्डू गोपाल है जो 2 से 3 दिन मेरे घर पे आए हैं। वो भी मेरे सपने में आए थे, तभी मेरे को पता चला ऊपर है और मैं लाई हूँ इसको। ये मैं आगे बताने वाली हूँ कहानी। पहले तो बता दूँ ये कितना पुराना है। ये 50 साल पुराना है। ये वृंदावन से लाया हुआ था। मैं जहाँ रहती हूँ ना, ऊपर फ्लैट में एक आंटी रहते हैं। वहाँ क्या हुआ, मुझे तो मैं यहाँ 4 से 5 साल रहती हूँ, मुझे आज तक पता, मैं इतनी उनके घर जाती हूँ, वो मेरे घर आते हैं। सिर्फ मैं एक बार सुनी थी कि उनके घर में एक लड्डू गोपाल है, उनके कोई नानी ने दिया था, तो मैंने सिर्फ इतना ही सुना था। बट अचानक से ये 4-5 साल बाद मैं अचानक से मेरे सपने में आए और मेरे सपने में आके मुझे दिखाए ये छोटू सा मेरा लड्डू गोपाल, कि वो एकदम काले पड़ चुके हैं और मुझे अपने घर पे लाने के लिए बोल रहे हैं। वो मेरे घर पे आए और मेरे जो और 2 लड्डू गोपाल है, ये देखिए, ये है एक, ये एक है, ये एक है। ये बहुत पुराना नहीं है, बट ये मेरा 200 साल पुराना है। जैसे अभी तीनों एक संग बैठे रहते हैं, वैसे ही मैंने सपने में देखा वो मेरे घर आए और ऐसे ही सबके संग बैठे हुए हैं। बट वो बहुत काले पड़ चुके हैं और मुझे बोल रहे हैं साफ करने के लिए। तो मैंने अचानक से उसके नेक्स्ट डे मेरे ऊपर रहते आंटी जो रहती है, उनसे पूछा कि आपके घर में जो लड्डू गोपाल है वो क्या पूरा काला पड़ चुका है? तो वो जो आंटी है वो ऐसे रखती है मंदिर में, बट वो इतना साफ नहीं करती है। पहले करती थी, अभी एज होने के कारण वो इतना साफ नहीं कर पाती है। वैसे ही रेगुलर पूजा जैसे भगवान को देते हैं, वैसे ही पूजा देते हैं, खाना देते हैं। बट हम लोग जो करते हैं ना, लड्डू गोपाल को नहलाते हैं या फिर कपड़ा पहनाते हैं। वो कपड़ा पहनाती थी, ऐसा नहीं है, बहुत सेवा करती थी अच्छे से। बट अचानक से सपना आने के बाद मैंने जब पूछा उनसे कि आपके घर में जो लड्डू गोपाल है वो क्या बहुत ज़्यादा काले पड़ चुके हैं, तो जो आंटी है वो बोली हाँ। तो मैंने बोला मुझे सपने में आया कि मुझे लाने के लिए बोल रहे हैं और आके पूजा करने के लिए, मतलब ऐसे पता चला कि उनके घर में जो भगवान है। फिर मैं गई उनके घर, मैं मंदिर में देखी वो बैठे हुए थे, और सच्ची में जैसे मैंने सपने में देखा था, एकदम छोटू सा था लड्डू गोपाल, वैसे ही काले पड़ चुके, जैसे लग रहा है मैं सपना नहीं, सच्ची में सच देख रही हूँ। फिर मैंने लड्डू गोपाल को लाया, फिर साफ़ किया, बट कुछ कारण के लिए मुझे नहीं पता क्या हुआ, उनके ये जो हाथ, ये दोनों हाथ, ये एकदम ही काले काले हैं, ये एकदम साफ़ नहीं कर पाई मैं इसका चेहरा और सारा जो पूरा बॉडी है सारा साफ़ कर पाई। फिर उनके बाद वो आंटी एवरीडे मेरे घर आती है और आके इनसे बात कर जाती है। फिर बोलती है उनको घर जाने का मन नहीं कर रहा है क्या, यहाँ पे तो अच्छा लग रहा है तुमको, ऐसे आके बोली जाती है। बट पता नहीं वो मेरे घर कितना दिन रहेगा, वो कितना दिन यहाँ खुश रहता है, क्या उनको सच्ची में यहाँ अच्छा लगा, या फिर 2 छोटे छोटे और 2 प्यारे 2 है इसीलिए उनको ये पसंद आया खेलने के लिए। और मेरा जो 4 साल का बेटा है वो भी उसे बहुत पसंद करता है। वो बोल रहा है खुद से कि ये जो लड्डू गोपाल है ये मेरे घर ही रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा, इसको यहाँ अच्छा लग रहा है, ये रो रहे हैं इसको घर नहीं जाना है। ये तुम्हारे घर पे, तो मेरे ऊपर जो आंटी रहती है उनको बोल रहे हैं आपके घर में तो कोई खेलने के लिए नहीं है ना, मेरे घर में खेलने के लिए 2 और लड्डू गोपाल है, मैं हूँ, इसीलिए ये यहाँ रहना चाहते हैं। तो मुझे सच्ची में नहीं पता ये भगवान का कौन सा लीला है,
मुझे एक तरफ से तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इन्होंने सच्ची में मेरे घर पे आया। मैं आपको बताने वाली हूँ और दिखाने वाली हूँ ये कैसे था पहले, फिर मैं आपको इनका ये रूप, तो फिर मैंने ये ड्रॉ किया और साफ किया। सच बोलूँ तो एक तो सही बात है कि हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता है ये जो भगवान का लीला है कैसे कैसे आता है। मैं किसी दिन, ये जो मेरा छोटू सा है, ये है सबसे छोटा, ये सबसे नटखट है, बड़ा बदमाश है, बट ये बहुत पुराना है, 200 साल पुराना है ये। ये भी मेरे नानी का था, इसका कहानी मैं किसी और दिन सुनाऊंगी। चलिए, दिन ऐसे अनोखे कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।